पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथी वैश्य समाज के वरिष्ठ नेता संतोष बगड़ोदिया आज अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जमकर निशाना साधा। बगड़ोदिया ने कहा कि न्याय योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होगी यदि अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार जीतता है, और वहीं वे उद्योग लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नोटबंदी से जनता को बहुत नुकसान हुआ और कई लोगों की जान भी चली गई। जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई गई, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिजू झुंझुनू वाला जीतते हैं तो वो 50 साल तक अजमेर की सेवा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, देखिए, वैसे समाज का जहां तक सवाल है, लोग बोलते हैं बीजेपी के साथ रहा, मैं नहीं समझता इस तरह की बातें कोई है। कोई भी समाज किसी भी का बंधुआ नहीं है। कुछ लोग कभी 10% इधर उधर हो सकते हैं, वैसे समाज को जितना लाभ कांग्रेस की सरकारों में गत 60 वर्षों में मिला वो वैसे समाज जानते हैं। वैसे समाज शांति चाहती है, और उनको अशांति हो रही है, जो मैंने अभी बताया कि उनको बैंक के लोन नहीं मिल रहे हैं, ज़मीन नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, व्यवसाय कैसे चलेगा, व्यवसाय उनका डूब रहा है। तो अपने आप ही वो समझ रहे हैं इस बात को, और सब समझदार हैं अपने आप साथ।